वेलकम बैक गाइस, दिस इज कमरान एंड यू आर ऑन गैलेक्सी ऑफ प्रोटोन गेमर्स। सो गाइस, आज हम अपना नया गेम प्ले स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 4। और भाई उसका भी रीमास्टर्ड वर्जन है। सो ओरिजिनल है जो वो हम प्ले नहीं कर रहे, रीमास्टर्ड वर्जन यानी कि इसमें कुछ अपग्रेडेशन हुई हुई है, सो इस वजह से हम इसको प्ले कर रहे हैं। वो आपने जो ओरिजिनल वाली है वो तो काफ़ी यूट्यूब पे देखी होगी, बट अब हम लोगों ने फैसला किया था कि जो रिमेस्टर्ड वर्जन है उसको ट्राई करेंगे और उसका गेम प्ले देखेंगे किस तरह का देती है ये। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने जाना है कैप्टन प्राइस की टीम में, सो उसके लिए हम लोगों ने कुछ टेस्ट पास करने होंगे, सो उनको हम लोग अभी क्लियर करते हैं। जैसे ही फिर हम लोगों ने कैप्टन प्राइस के पास जाना है, और ये जो हमारा करेक्टर है जिसको भी हम लोग प्ले कर रहे हैं, ये हैं सोप मैकडेविन आई थिंक इसका नाम है, वो भी अभी क्लियर हो जाएगा हमें जैसे ही हम आगे जाएंगे। सो डिटेल वगैरह इसकी हमें दे देंगे ये सभी। सो अब हम लोगों ने राइफल वाला जो टेस्ट है वो क्लियर कर लिया है, सो अभी हम लोगों ने आई थिंक शॉटगन की तरफ जाना है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे ये हमारे पिस्टल है और इसके साथ एक नाइफ है हमें। Alright, so वो कह रहा है भाई रीलोडिंग से फास्ट होता है अगर आप अपनी स्विच कर लो गन को, सो इस वजह से हम लोगों ने ये ट्रेनिंग परफॉर्म की है। सो ये यहाँ पे भाई हम लोग पास हो चुके हैं, सो अब हम लोगों ने जाना है कैप्टन प्राइस के पास। सो गाइस, बड़ा अमेजिंग सा व्यू आ रहा है यार, किसी बेस के अंदर है हम अभी। सो ये भाई उसका ट्रांसपोर्ट चल रहा है, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। सो ये कुछ आई थिंक टेक्निकल टीम है आर्मी की। सो इस भाई इस कॉरिडोर के अंदर है कैप्टन प्राइस, वो भाई कैप्टन प्राइस खड़े हुए हैं। सो अभी इसके साथ बात करते हैं। ऑलराइट, गुस्से में देख रहा है भाई, अभी ये तो ट्रॉल कर रहा है यार। So guys, जी हाँ, उसने सी क्यू बी टेस्ट के लिए कहा है। सो ऑलराइट, ओके। सो गाइज, हम लोगों ने ये मैक्सिमम 8 सेकंड्स के अंदर अंदर हमने, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर फिनिश करना है। और जो इसका रिकॉर्ड है वो है गैस के पास, जो हमें पीछे ट्रेनिंग दे रहा था उसने 19 सेकंड के अंदर 90 सेकंड के अंदर उसने फिनिश किया था। सो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम इस रस्सी को पकड़ेंगे। सो अब हम लोग जा रहे हैं। ऑलराइट, सो कैप्टन प्राइस है जो हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे ड्यूरिंग द मिशन। सो यहाँ पे भाई हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। सो ऑलराइट, मुझे लगता है पहली जो पोजीशन हम लोगों ने क्लियर कर ली है और अब दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करें, नहीं थर्ड पॉइंट की तरफ आ गए हम लोग गाइस। सो फ्लैश बैंग यहाँ पर गया। ऑलराइट, सो अब हम लोग 4-5 की तरफ जा रहे हैं। ओके, 6 की तरफ आ गए गाइस। सो यहाँ पे फ्लैश बैंग, अबे ये क्या मेरे ऊपर गिर गया था। ऑलराइट, सो अब हम लोगों ने जाना है ओके भाग के। और आई थिंक भाई ये 33.45 सेकंड्स के अंदर हुआ है। सो 19 सेकंड में तो हम भी नहीं कर पाए और ये रिकॉर्डिंग्स चल रही थी हमारी जो भी थी। ऑलराइट, सो गाइस, अब हम लोगों ने कार्गो मिशन की तरफ जाना है। सो अब उसकी ब्रीफिंग होगी, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको मिशन पे। Alright guys, so we are back with our mission briefings. So यहाँ पे हम लोगों को जो मिशन की ब्रीफिंग्स हैं वो दी जा रही हैं। बेसिकली ये बोट है ना, शिप है, जो इसके ऊपर कोई मिलिट्री इक्विपमेंट था, सो वो ये लेके जा रहे हैं। सो उसको हम लोगों ने यहाँ से रिसीव करना है, कह सकते हैं आप, हम लोगों ने इनसे छीनना है, छीन के अपने बेस के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। सो अब हम लोग भाई आ चुके हैं अपने हेली के अंदर और अब यहाँ से कुछ ही देर में हम अपने शिप के पास पहुँच जाएंगे जहाँ से हम लोगों ने कैप्चर करना है वो पैकेज वगैरह। सो ये भाई यहाँ पे काफ़ी हैवी रेन हो रही है। सो ये गाइस शिप है जिसके ऊपर से हम लोगों ने लेना है भाई जान। सो मिशन बड़ा अमेजिंग होने वाला है गाइस। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर लाजमी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइज, यहाँ पे मिशन हमारा हो चुका है स्टार्ट, अब हम लोग जाने लगे नीचे और प्रॉपर वे में एक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे गाइज हम लोगों ने टीम वर्क प्रॉपर करना है अपना परफॉर्म।
तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने डेक जो है वो क्लियर कर लिया यहाँ का, यानी कि जहाँ पे यार इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं शिप को। सो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, और कंपार्टमेंट है जो उस वो ना आई थिंक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोई। ओके भाई ये अल्कोहल पी के शायद ये इस वजह से। ओके और ये दो यहाँ पे भी सोते सोते ही। सो यहाँ पे ना वो आई थिंक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सो इस वजह से हमें रीडिंग्स मिल रही है उसकी। सो वहाँ पे इस वजह से हम लोगों को उसको फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प होगी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं और जाके मिलता हूँ आपको आगे। और यहाँ पे भाई कुछ मूवमेंट हो रही है। सो ऑलराइट सो भाई हेली को हम लोग कहते हैं, वो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है जो वो क्लियर करे। मैंने मैसेज कन्वे कर दिया कैप्टन प्राइस को, जैसे ही वो ऑर्डर देगा तो एरियल सपोर्ट हमें मिल जाएगी और वो जो ऊपर का डेक है वो क्लियर कर देगा। फिर हम लोगों ने ये जो डेक आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर हम लोगों ने जाना है इसकी शिप की बेसमेंट में, और वहाँ पे वो पैकेज रखा हुआ है किसी कंटेनर के अंदर, वहाँ से हम लोगों ने उसको रिसीव करना है। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है यहाँ पे हम लोगों ने उसको लेके आना है, और फिर हम लोग उसको अपनी बेस तक लेके जाएंगे। ओके गाइस सो हमारी जो एरियल सपोर्ट है वो आ चुकी है। ऑलराइट सो ये देखिए गाइस ये हमारा हेली है, और आई थिंक उसने क्लियर कर भी दिया है इतनी जल्दी। सो यहाँ से गाइस हम लोग अंदर जाएंगे अब। सो जैसे ही हमारी टीम आ रही है अभी हम लोग फिर अंदर जाके प्रोसीड करते हैं। ऑलराइट सो अब मैं यहाँ पे ये अपनी शॉटगन इसके साथ ही मैं आगे मूव करूँगा, क्योंकि मुझे गाइस ये शॉटगन्स होती है जो पिस्टल वगैरह ये काफ़ी मुझे पसंद है, और जो मेरी राइफल है इतनी ख़ास नहीं है, सो इस वजह से मैं उसको। ऑलराइट ये सारा कुछ क्लियर है भाई। यहाँ पे ये कुछ इंजन वगैरह के पाइप्स हैं, ये देखो स्टीम वगैरह आ रहा है इनसे। ऑलराइट ओके गाइस यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो चुका है हमारा। सो ये देखो गाइस मैंने पिस्टल के साथ ही सबको क्विट कर दिया है। सो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है गाइस। और ये भाई मेरी फेवरेट गन आ चुकी है, सो मैं इसको स्विच करूँगा अभी आगे जाके देखता हूँ, अभी इतना टाइम नहीं है। सो यहाँ पर मैं देखता हूँ। ऑलराइट यहाँ पर फ्लैश बैंग फेंक दिया है। सो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं गाइस इनको, और ये देखो गाइस ओ शिट वो हमारे ही थे टीममेट। सो अब हम लोग यहाँ पे स्विच करेंगे गाइस, इसको स्विच करूँगा मैं। ऑलराइट कहाँ पे है भाई? ओके यहाँ पे। ओ शिट यार वो मेरा जो शॉर्ट पिस्टल है वो चला गया, पर कोई बात नहीं। सो इससे शूट करके देखते हैं गाइस। मुझे ये गन्स बहुत ज़्यादा पसंद है जो AK-47 की सीरीज़ है ना, ये क्लाशन वगैरह। सो मैं इनको रियली लाइक करता हूँ बहुत ज़्यादा, सो इस वजह से मुझे इनको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। सो इसके अंदर गाइस हम लोगों ने जाना है, इस साइड से रीडिंग्स आ रही हैं आई थिंक इस कंपार्टमेंट के अंदर वो पड़ा हुआ है पैकेज। सो इसको हम लोग खोलते हैं, फिर हम लोग जा रहे हैं अंदर। ऑलराइट सो यहाँ पे भाई ये बहुत केयरफुली हम लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि शिप के अंदर बहुत सारा फ्यूल भी पड़ा हुआ है, और कहीं इधर उधर अगर कोई लीकेज वगैरह हो गया और बुलेट्स वगैरह को हिट हुई तो यहाँ पे आग भी लग सकती है और ब्लास्ट भी हो सकता है शिप। सो यार यहाँ पे शूटिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ऑलराइट ओके वाओ अबे मर भी जा, क्या हो गया है? ऑलराइट सो ओके वो सामने बैठ के चला रहा है भाई, तू देख ले कुछ यार, ख्याल कर अपना भी, हमारा भी क्या कर रहा है। ऑलराइट सो गाइस इस साइड से आ रही थी रीडिंग्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने इस साइड जाना है ये डोर के आगे, और यहाँ पे भाई काफ़ी इन्फेंट्री है उनको ही। सो ऑलराइट ये देखो गाइस काफ़ी अमेजिंग शूटिंग स्टाइल है यार इन लोग गन्स का, मुझे काफ़ी हैवी रियल वाला फील आ रहा है गाइस, अमेजिंग यार। ऑलराइट सो इनको जैसे ही ख़त्म करते हैं फिर गाइस हम लोगों ने पैकेज रिसीव करना है अपना, और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। सो ऑलराइट ओके
सो आगे मूव करते हैं। और यहाँ पे AK-47 भी काफ़ी पड़ी हुई है गाइस, सो अगर इसकी बुलेट्स मेरे पास ख़त्म होती है सो मैं उसको स्विच करूँगा फिर, बट अभी मुझे यही काफ़ी अच्छा लग रही है सो इस वजह से मैं इसको ही चलाऊँगा। सो गेम प्ले काफ़ी अच्छा है यार, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं इस तरह की गेम्स को तो लाजमी से इसको ट्राई, कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज़ है ना वो सारी सीरीज़ सिवाय जो इन्फिनिटी वॉर है उसके अलावा सभी तकरीबन अच्छा है और आपको रियल वाला फील देता है। सो गाइज इस कंटेनर के अंदर जो हमारा पैकेज है वो पड़ा हुआ है, सो और जी हाँ गाइज ये रेडियो एक्टिव कोई डिवाइस है, ये देखें उसके ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, सो इस वजह से ऑलराइट। ओ शिट गाइज, सो अब हम लोग पैकेज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग मैनुअल है उसको हम लोगों ने ले लिया है और अब हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि शिप है जो वो लीक हो गया था किसी जगह से ब्लास्ट हुआ है सो वो ना पानी के अंदर डूब रहा है। ये देखो गाइस अब वो काफ़ी अंदर तक भी इम्पैक्ट आ रहा है उसका, सो हम लोगों को बहुत जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा वरना हम लोग भी इसके अंदर ही डूब जाएंगे। सो बहुत तेज़ी से गाइस ये देखो जो शिप है वो नीचे जा रहा है, सो हम लोगों को बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। ऑलराइट ओके, सो हम लोग जा रहे हैं गाइस, सो होपफुली हम लोग इससे निकल जाएं। ऑलराइट सो भाई शिप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ये देखो गाइस और ये काफ़ी ज़्यादा एक साइड पे झुक चुका है, सो आई थिंक हम लोग यहाँ से यार नहीं निकल पाएंगे बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। ऑलराइट सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कॉरिडोर के अंदर, सो यहाँ से आई थिंक लेफ्ट होंगे अब दोबारा से, और लेफ्ट होके यहाँ से राइट होना है इस साइड से स्टेयर्स के ऊपर से और आई थिंक फिर हम लोग बाहर निकल जाएंगे। राइट राइट सो गाइस बाहर आ चुके हैं फाइनली हम लोग, और ये देखिए गाइस शिप कितनी ज़्यादा एक साइड पे कन्वर्ट हो चुकी है पानी के अंदर, सो ये हमारा हेली है और आई थिंक यहाँ पर जंप करना पड़ेगा मुझे, यस और शिट। ओके गाइस सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और हम लोगों ने अपना मिशन कर दिया कंप्लीट। सो गाइस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें।